हेलो फ्रेंड, दीपा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो मैं पहले बता दूं आपको, ये नीचे वाली कुर्ती को मुझे इस कुर्ती से फिट करना है। तो इसके लिए मैं पहले सीना का नाप लूँगी इसका। तो जैसे कि ये सीना का नाप आ रहा है 17 इंच। इससे आगे इसकी ये कमर का नाप लेंगे, तो कमर का नाप आ रहा है इसका 15 इंच। और इसकी हिप का नाप लेंगे, तो इसकी हिप का नाप आ रहा है 18 इंच। और ये आर्मोल, इन आर्मोल का नाप लेंगे, तो आर्मोल आ रहे हैं 7 इंच के। और ये हाथ की मोहरी का नाप लेंगे, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो ये हाथ की मोहरी है, इनसे 5 इंच में 2 इंच की कम, तो मैं 5 इंच लूँगी क्योंकि ये धुलेगी ना तो भर जाएगी। तो मैं इसका नॉप डालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। जैसे ये है ना स्लीव्स, तो इसको मैं यहाँ से 5 इंच नापूंगी, ये 5 इंच की मोहरी रही मेरे। और यहाँ पर 7 इंच आर्मोल रहेंगे, ये 7 इंच का आर्मोल रहेगा। अब इसको ऐसे इससे मिला देंगे सीधे, ये मिल गया। अब इसको ये बीचों बीच इसके लगे हैं ना, तो यहाँ से आधा लेंगे। जैसे कि सीना 17 का था, तो यहाँ से आधा लेंगे, तो 17 का आधा होगा 8.5। तो यहाँ से ये 8.5 पे निशान लगाएंगे, ये 8.5 पे। और यहाँ से लेंगे कमर का, तो कमर थी 15 इंच, तो 7.5 का इसका निशान लगाएंगे, ये 7.5 इसका निशान लगा दिया कमर का। अब हिप लेंथ की थी इनकी 18 इंच, तो ये 9 इंच पे निशान आएगा। तो ये 9 इंच पर ऐसा घुमाते हुए नीचे को जहाँ तक कट चाक खोले हैं ना, वहाँ तक निशान लगा देंगे। तो हमारे निशान लग गए, तो ऐसे ही निशान देखेंगे इधर भी लगाए हैं। तो ये दोनों साइड निशान आपको दिख रहे होंगे कि मैंने कैसे लगाए हैं। तो ये देखो, दोनों साइड मैंने निशान परफेक्ट लगा दिए। अभी ये पहले इसके चाक यहाँ तक थे, तो अब मैंने इनके चाक को ये उस कुर्ती के हिसाब से ऊपर करने हैं, तो यहाँ तक खोल दिए हैं सिलाई। अब यहाँ तक मैं चाक बना दूंगी और फिर यहाँ से ऐसी सिलाई दोनों साइड लगा दूंगी। तो इसका मैंने धागा रखा है, ये बॉबन में भर के ही रख लिया है, ये इसके मैचिंग का धागा है। मैं देखती हूँ, अगर मशीन पे मेरा तो मोबाइल का कैमरा सेट हो जाता है तो मैं आपको मशीन पे ही डायरेक्ट बता देती हूँ, नहीं तो फिर इसको मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखा दूँगी। सिलाई मैंने पूरी इसके ऊपर से लगा दी, ये डबल सिलाई कर दी है, ये फिटिंग का निशान रहा, ये दोनों सिलाइयाँ रही। ऐसे ही मैंने दोनों साइड सिलाई डाल दी है, और यहाँ तक के इसकी चाक खुलने थे, तो ये चाक खोल दिए हैं यहाँ से, और ये पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ फिट हो गई है कुर्ती। तो दिख रही होगी आपको कि देखो ये फिनिशिंग के साथ फिट हो गई है, ये देखो अच्छे से दोनों सिलाइयाँ आ गई हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी कुर्ती को फिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसी वो कुर्ती थी उतनी ही मैंने इसको फिट कर दी है। तो ऐसे अपनी कुर्ती को फिट करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।